नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम योगी कष्ट निवारक कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जीवन में जब अनेकों बाधाएं आ जाती हैं तो आप लोग तमाम उपाय करते हैं, तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन कहाँ पे वो एक छोटी सी कमी रह जाती है जिसकी वजह से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों यही आप लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, यही आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं या फिर आप लोग श्रद्धा भाव के साथ अपने भगवान से जुड़ते हैं तो आपको फल कैसे मिल सकता है, कैसे आप लोग लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में स्पष्ट और सटीक बातें ही यहां पे बताई जाती हैं जिससे आप लोग ये समझ पाएं कि किस राह पे आपको चलना है, किस दिशा में चल के आप लोग वाकई में अपने जीवन को सुखद भी बना सकते हैं, अपने जीवन से हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इस मंच से जुड़ना चाहते हैं, फोन उठाइए, नंबर पर कॉल कीजिए जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ योगी जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, जैसा कि बहुत सारी कॉल्स हमारे पास लगातार आ भी रही हैं कि आपका एक उद्देश्य है, आपका एक लक्ष्य है कि लोग जो पूजा पाठ करते हैं, लोग जिन देवी देवताओं को मानते हैं या फिर अपने इष्ट गुरु हो गए उनको मानते हैं, तो उसके बावजूद भी उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं जिनका दूर करने का आप लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपने ये कब सोचा, कब आपने ये जाना कि लोग अब एक सही दिशा पर चलें? वो ये जाने कि वो उपाय तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऊपर वाले पे भी विश्वास रखना होगा। बिल्कुल दरअसल जी, मुझे तब पता चला जी कि जब मुझे अपने आप पे विश्वास होने लगा कि मैं जब उसके बहुत नज़दीक हो गया, जब मैंने उससे पता लगा, जब मैं आंखें बंद करके कभी उससे याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरी बात सुन रहा है। जब मेरी बात उसने सुननी शुरू कर दी, अब यकीन मानिए इस उम्र में आके मुझे अब ज्ञान हुआ है कि वो सुनता है और सुनता भी है, आपके काम भी करता है। उसका जो कम्युनिकेशन है वो कुछ थीजा होने लगा है। पहले पहले तो जैसे फ्लैश होता है ना, आप दो तारें दूर रखिए तो वो बीच बीच में फ्लैश करती हैं, जब उनको पूरा जोड़ देंगे तो वो एक करंट फ्लो होने लग जाता है। बस जब वो करंट फ्लो होने लग जाता है तब आपके काम होने शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा सीधा सा है, बड़ा सीधा फंडा है इसका कि जब उससे आप जुड़ जाते हो तो कोई ऐसा नहीं है कि ये आपका काम ना हो। मैं फिर कहता हूँ, उसी से जुड़ो, वही काम करेगा और हर हालत में करेगा, हर हालत में होंगे। फिर भी अगर नहीं होते दोस्त तो फिर तो मैं फिर कह रहा हूँ कि फिर आप आइए, मैं बताता हूँ कैसे होते हैं, क्योंकि मेरे काम हो रहे हैं, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने वाला। जिसको मर्जी मानिए, सभी आपके हैं, सभी जितने देवी देवताओं को मान रहे हो, सभी भगवान जितने को भी आप कहते हो, सभी पावरफुल हैं, सभी के पास बहुत शक्ति है। और जो हमारी जो मांगने की चीज़ें हैं वो बड़ी छोटी हैं, बड़ी स्मॉल हैं, उनके लिए उसकी कोई विकत नहीं है। वो तो थोड़ी सी देर में एक सेकंड में आपको सब खिलार के दे सकती हैं। फ़र्क तो यह है कि आप मांगिए तो सही, आप मांगते हैं तो पता नहीं आपकी बात क्यों नहीं सुन पा रहा, ये मुझे समझ नहीं आ रही। सुनेगा, हर हालत में सुनेगा। जैसे आप माँ बाप से बात करते हैं वो आपकी बात सुनते हैं, वो कहते हैं बेटे जाओ, हम पीछे बैठे हैं ना, क्यों चिंता कर रहे हो। तो फिर जब आपके पास वो एक जिसको आप माँ बाप मानते हो, जिसको रोज़ चरणों को हाथ लगाते हो, रोज़ पूजा करते हो, फिर वो क्यों नहीं मान रहा, आप सोचिए इस बात को। अपने घर में आप परिवार से बात करते हो, साहब आपकी बात सुनते हैं, आपकी मिसेज आपकी बात मानती हैं, आपके हस्बैंड आपकी बात मानते हैं, आपके फादर आपकी बात मानते हैं, आप उनकी बात मानते हो, तो ये कम्युनिकेशन है ना। बस ये कम्युनिकेशन ही तो है। जब उससे आपका जुड़ जाएंगे ना आप, तो वो आप सुनेंगे उसको बैठ के, तो वो सुनाएगा भी आपको, बताएगा भी क्या करो कैसे करो। इतनी बड़ी मूर्ति आप लेके आते हो तो वो पत्थर नहीं है, मूर्ति तो पत्थर की या मिट्टी की बनी है ना, डोंट थिंक सो। हम उसको ऐसे ही बना के रखते हैं, तो वो पर भैया ना मानो तो पत्थर है, मानो तो भगवान है, ये तो आपके ऊपर है। वो पत्थर नहीं है, वो भगवान। अगर मानोगे आप तो सही में वो भगवान है, तो उसकी उतनी रिस्पेक्ट कीजिए जितनी आप भगवान की कर सकते हो। अगर आप कुछ गलती करके आते हो बाहर से, आपको पता कि आपके फादर अंदर बैठे हैं, मान लीजिए कोई गलती की है आपने, आपको पता कि यार मेरे घर में ये पता चल गया, मैं एंटर कैसे करूँगा, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर है यार फादर तो बीच में खड़ा है, भैया वो तो लाठ मारेगा, थप्पड़ मारेगा, तो ये क्यों करके आए। लेकिन हम गलतियां करते हैं
तो भगवान जी के सामने से निकल जाते हैं, उस कमरे में चले जाते हैं, पता कि ये कुछ नहीं करता। इसका बड़ा सीधी सी बात है कि हम उसको भगवान मान ही रहे, हम तो मूर्ति मान रहे हैं यार, पढ़िए वो क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो फिर कैसे हम ये सोचते हैं कि यार वो मेरे काम करेगा, कैसे मेरी बात वो सुनेगा। उसको भगवान मानिए अगर रखा है तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट कीजिए, वो बहुत बड़ी हस्ती है। लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, कोई हार्ट का अलग डॉक्टर है, ये आपके मेडिसिन का अलग है, ब्रेन का अलग है, किडनी का अलग है, लिवर अलग अलग है ना। वो जो आपके पास बैठा है वो मेन डॉक्टर, सबका वही इलाज करता है। ये जो डॉक्टर अलग अलग पकड़ते हैं उसको पकड़ लीजिए तो कोई फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है यार, क्यों नहीं काम होंगे। मैं तो फिर कह रहा हूँ उसी को पकड़िए, वो काम करेगा। अगर फिर भी वो आपके आपको लगता है कि नहीं सुन रहा, तो फिर तो भैया मैं कह रहा हूँ मेरे पास आओ, सुनेगा, हर हालत में सुनेगा और आपके काम होंगे। एक बार ट्राई कीजिए, जहाँ से आपके काम होते हैं जाइए, मैं तो कहता हूँ कराइए वहाँ से काम, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। आपके अगर काम कहीं से भी हो रहे हैं बेटर है कि वहाँ जाइए, लेकिन फिर भी आपको ये लगे कि नहीं हो रहे तो फिर उसका कोई नहीं है, वो मेरे पास वही आएंगे जिसको आपका भगवान चाहेगा। अगर आपका गुरु चाहता है कि आप मेरे पास आओगे तो आओगे, गुरु के बगैर कुछ नहीं है दोस्त। और मैं भी जो काम करूँगा आपके गुरु की मर्जी से ही करूँगा, मैं आपको गुरु से नहीं आपको हटा सकता, क्योंकि काम आप ही के गुरु ने करना है। गुरु बहुत बड़ी हस्ती है, उसी हस्ती को उसी हस्ती से मानिए, उसको उतनी रिस्पेक्ट दीजिए, ये कहीं कमी है। तो बिल्कुल दर्शकों, यानी कि ट्राई वंस, अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है और आपको ये लगता है कि इस कार्य को करने में तो हमने अपनी जी जान लगा दी है, हमने तो इतने सारे उपाय कर लिए हैं, इतने सारे तीर्थ स्थानों पे हम लोग जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्य क्यों नहीं बन पा रहे हैं, कहाँ पर वो एक छोटी सी चूक रह रही है, एक बार आप लोग दर्शकों नंबर्स पर कॉल तो कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। पर्सनली मुलाकात करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा दर्शकों, क्योंकि समय का यहाँ अभाव होता है, शायद आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब आप लोग संस्थान में कांटेक्ट करेंगे और सीधा आप लोग योगी जी से मुलाकात करेंगे तो समझ पाएंगे कि आपके कार्य कैसे बन सकते हैं, कैसे आप लोग अपने जीवन से हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रयास किसे करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, विश्वास रखिएगा दर्शकों, क्योंकि एकमात्र ऐसा ये कार्यक्रम हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं जो ना सिर्फ आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको ये उपाय करने चाहिए, वो उपाय करने चाहिए, आपको ये धारण करना चाहिए, वो धारण करना चाहिए, सिर्फ हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं किस प्रकार से आपको करना है, कैसे आपको परमात्मा की शक्ति से जुड़ना है। बाकी आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न क्यों ना चल रहा हो, फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं योगी जी से। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, उनसे कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। एक बात आपने पिछले एपिसोड में भी कही थी कि हम किसी के घर जाते हैं तो बहुत सारी तस्वीरें लगी होती हैं, किसी भगवान की, कभी किसी भगवान की, तो सारे ही भगवान को वो लोग मानते हैं, लेकिन आपने इसी बीच में एक बात जरूर कही थी कि आप किसी एक को, आप सबको तो मान रहे हैं लेकिन श्रद्धा भाव के साथ आप किसी एक को मान के देखिए, ये बात आपने किस लिए कही थी? इसलिए कही थी कि मान लीजिए आपके घर में 10-15 गेस्ट आ जाते हैं, जब पार्टी होती है तो उसमें आप कुछ एक दो होते हैं जिनको आप ढंग से कर सक, जिनको ढंग से आप रिस्पेक्ट दे सकते हो, कि उनको उनका आदर कर सकते हो, वो कुछ ही होते हैं। तो बाकियों को ये होता है कि यार ये उधर ही क्यों लगे हुए हैं, मुझे क्यों नहीं पूछ रहे। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता भगवान सभी पावरफुल हैं, सभी में उतनी ताकत है, सभी सब कुछ कर सकते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आप देखिए, अब 4-5 आपने रखी है, माँ की मूर्ति रखी है या शिव जी की रखी है, गणेश जी की रखी है, किसी की भी रखी है, चाहे जिसे जीसस की हो, हज़रत मोहम्मद साहब की हो, नानक जी की हो, लेकिन आपके दिल में एक के लिए हमेशा थोड़ी सी प्यार रहेगा, उससे लेगा याद, इसको बस ज़्यादा प्यार एक ही से ज़्यादा करते होंगे। घर में भी होता है ना, जब अब आपके बच्चे हैं तो कोई एक बच्चा जो है वो ज़्यादा माँ से अटैचमेंट है, किसी बच्चे की ज़्यादा बाप से अटैचमेंट है, लेकिन हैं तो माँ बाप के दोनों ही बच्चे हैं और दोनों की उतनी रिस्पेक्ट है और दोनों से ही प्यार करते हैं। कभी भी कुछ एक को पकड़िए, उसके हो जाइए, पक्का ही हो जाइए। मैं दूसरों को ये नहीं कह रहा, उनका निरादर नहीं करना, उनको भी नमस्कार कीजिए, उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन पकड़िए एक ही को। ये तो मेरा अपना तजर्बा है दोस्त, एक ही को पकड़िएगा तो आपके काम बड़े आसानी से हो जाएंगे। इतने लोगों में आप कहाँ कहाँ, इतनी भीड़ में कहाँ कहाँ भागोगे यार,
मंदिर भी जा रहे हो, गुरुद्वारे भी जा रहे हो, चर्च भी जाइए, सब जगह सबको नमस्कार कीजिए, क्योंकि उसको पता चलता है जब आप अपनी गली से निकलते हैं, आपका बाप तो वही है जहाँ से, उनको पता ये किसका लड़का है, लेकिन सबको आप मिलते जाते हैं, अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, किसी को पैरी पौना करते हो जाते हो ना, तो उनको पता ये उसका बेटा है, किसी एक का नाम लेते हैं ना आपके फादर का, तो आपका गली में कहीं कोई प्रॉब्लम आपकी आने वाली नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये उन्हीं का बच्चा है, क्योंकि इसीलिए कोई भी पूजा का स्थान जो होता है उसको नमस्कार जरूर कीजिए, लेकिन पकड़िए एक को, मांगना है तो सिर्फ एक ही से मांगिए। अब आपको घर में कोई जरूरत पड़ती हो तो अपने डैडी से कहते हो ना, आप फादर हैं कि पापा मुझे ये ज़रूरत है, मेरी ये जरूरत पूरी कीजिए, मुझे इतने पैसे चाहिए या जो चाहिए, पड़ोसी से तो मांगने नहीं जाते जबकि वो सभी हैं, ऐसा नहीं होता, प्यार सबसे कीजिए, रिस्पेक्ट सबकी कीजिए, लेकिन एक को पकड़िए उसके हो जाइए, लेकिन जिसके होना है उसको बैरियर क्रॉस कर दीजिए, ये इश्क है, ये तो तभी काम आता है दोस्त जब वो सब बैरियर क्रॉस कर जाओगे, नहीं तो काम नहीं आने वाला, हम लोग बीच में अटक जाते हैं, पूरी तरह से प्यार कर नहीं पाते, ढंग से प्यार कीजिए, इतना कीजिए कि बेबस कर दीजिए उसको, कि वो खुद आके आपको पकड़ ले कि चल यार तू कहाँ बैठा है, ऐसा नहीं है, वो तो 24 घंटे तेरे पास है, कैसे हो सकता है कि वो आपका काम ना करे, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, अगर आपका इश्क सही है तो आपके काम हर हालत में होंगे। आप पूजा तो सभी भगवान की कीजिए जिनको आप मानते हैं, बिल्कुल सभी भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन ये योगी जी का खुद का अनुभव है कि आप अगर एक शक्ति को पकड़ेंगे तो आप वाकई में एक सही रास्ते पे चलेंगे, एक सही मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि आप गुरु भी तो बनाते हैं, गुरु ही आप लोगों को एक सही मार्ग दिखाता है, एक सही रास्ता दिखाता है। दर्शकों इसलिए ही तो कहा जाता है कि इस कार्यक्रम से आप लोग अवश्य जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी के साथ साथ जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान हो चुका है आज के समय में, इतना ज्यादा हताश हो चुका है कि वो सिर्फ दर दर भटकता है। आप लोगों को भटकना कहीं नहीं है, एक बार अगर वाकई में आप लोग ट्राई करना चाहते हैं जो भी बातें यहाँ पे योगी जी आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अवश्य आप लोगों के मन में चल रहे होंगे, तो मिलने का प्रयास कीजिए दर्शकों, देखिएगा फिर जब आप एक ही बार मिलेंगे आप लोग ये खुद कहेंगे कि हाँ एक सही जगह से हमने परामर्श लिया था, एक सही कार्यक्रम से हम लोग जुड़े थे, तो विश्वास रख के नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। बातें बहुत सारी और भी जानेंगे सर से यहाँ पे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ अमित जी हैं महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका अमित जी। जी नमस्कार, अमित बात कर रहा हूँ मुंबई से। जी अमित जी थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए। जी जी मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अमित है। जी प्रश्न कीजिए। अभी कुछ दिनों से मैं गुरुजी का प्रोग्राम देख रहा था, तो अभी मेरे जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हैं, कभी बहुत अच्छा होने लगता है, कभी बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है अचानक से, तो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखिए ये जो लाइफ है ना, जिंदगी, ये आप ही का नहीं हो रहा, ये तकरीबन जितने भी लोग यहाँ हैं, किसी से भी बात करके देखिए, वो कहता जी अभी थोड़ा सा सुख था, अभी फिर थोड़े से दुख आ गए, फिर थोड़ा सा सुख आ गया, फिर मैं परेशान हो गया, फिर मेरी परेशानी ख़त्म हो गई। ये तो एक लाइफ का एक स्पैन है दोस्त, ये तो ऐसे ही चलेगा। जब हम इस स्पैन को कहीं कोशिश करते हैं ये ठीक होने के लिए, देखिए ये उसने जब ज़िंदगी दी है आपको, आपको जब वो भेजता है ना, तो उसके साथ सारा वो ग्राफ बना के वो आपके साथ ही भेज देता है यहाँ, ठीक है जी। अब क्या है, जब उसने लिख के भेज दिया सारा कुछ, तो उसको ठीक कैसे करें, ये उलझनों को ठीक करना है हमने, ये उलझने कैसे सुलझेंगी, ये उलझने आपका गुरु सुलझा सकता है, जिस भी गुरु को मानते हो उसको बोलिए कि भाई साहब मैं तो फंस गया, ये तो मेरे साथ तो ये हो रहा है या यो भी गलत हो रहा है, ठीक है तो ठीक ही है, तो वो उसको ठीक कर सकता है। भगवान के लिखे को और कोई नहीं काट सकता दोस्त, बगाए आपके गुरु के, सिर्फ एक आपका गुरु ही है जिसको आप मानते हो, वही इसको चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, वो तो सूली की सूल कर सकता है, समझते हो, सूली मीन जो यसु मसीह के लिए थी, इतनी भारी चीज़ थी, वो सूली पर चढ़ा दी गया, सूल का मतलब है ये कांटा जो चुभता है, इतनी बड़ी चीज़ को इतने में वो कन्वर्ट कर सकता है, गुरु की इतनी ताकत है, उसको समझिए। गुरु सिर्फ वो मिट्टी की मूर्ति नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, गुरु की बहुत शक्ति है, अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसको आप मानते हैं, तो फिर कोई परवाह नहीं है, फिर आप भूल जाइए सारा कुछ, फिर वही बात होगी कि आपके वो उतराव चढ़ाव जो है ना बड़े स्मूथ चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कोई आती है फिर भी आ रही है इतना, फिर आप सोचेंगे क्यों आ रही है,
तो फिर तो वही लास्ट, तो फिर मैं बैठा हूँ आपको बता रहा हूँ, आपके मानने में कहीं कमी है, आपकी बात करने में कहीं कमी है, क्यों नहीं वो आपकी बात सुन रहा, जो आपका माता वही है, पिता वही है यार, सब कुछ तो वो आपका है। जब आपके घर वाले आपकी बात सुनते हैं, जो भी, वो तो अभी टेम्प्रेरी हैं दोस्त, परिवार सारी ज़िंदगी नहीं रहता, सब जाने वाले हैं, लेकिन वो है जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा, तो उसको पकड़ लीजिए तो आपके ये दुख दर्द सारे दूर हो सकते हैं। तो चलिए अमित जी, उम्मीद करेंगे कि आप जो जानना चाहते थे वो बेहतर तरीके से आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप इन नंबर्स पे कॉल करके संस्थान में एक बार बात कर सकते हैं, और अगर आप पर्सनली मुलाकात योगी जी से करना चाहते हैं, अपने जीवन का हर एक ब्यौरा जानना चाहते हैं, परेशानियों से निकलना चाहते हैं, तो बस करना क्या है, आज ही इसी वक्त आपको अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करानी है, क्योंकि साफ तौर पर योगी जी आप लोगों को, दर्शकों को बता रहे हैं, अगर सारी तरफ से आप लोग हार चुके हैं, निराशा आप लोगों को हाथ लग रही है, तो ट्राई वंस, एक बार आप उनके पास अवश्य आइए, फिर देखिएगा दर्शकों, एक बार ही आने से आप लोग ये जानेंगे, ये समझेंगे कि हम लोग अभी तक क्यों भटक रहे थे, क्यों हम एक ऐसे गुरु के पास नहीं गए जो हमें एक सही मार्ग दिखा सकते थे। तो जरूर दर्शकों, मैं कहना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी, एक बार मिलने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, और इन नंबर्स पे कॉल करके आप लोग आज ही अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। जैसे कि योगी जी आप यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, गुरु की शक्ति को हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति जो है कभी कभी इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है अपनी परेशानियों को लेके, ना तो वो कोई उपाय करता है, ना उसका पूजा पाठ में कोई बिलीव रहता है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हर आदमी इस टाइम में अपने लिए, जिनका बड़े बड़े लोग, इवन मैं बता रहा हूँ कि जो मिलियनर्स हैं, बहुत बड़े लोग हैं, वो भी आते हैं, जो उनको क्या चाहिए, उनके पास पैसा है, सारा कुछ है, डिप्रेशन में क्यों है, जानते हैं डिप्रेशन में इसलिए कि उसका नाम उनके पास नहीं है, मनी है उनके पास बहुत है। मेरे पास ऐसे बंदे आए हैं, मैं बता रहा हूँ, जो लाखों करोड़ों में खेलने वाले हैं, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कहेंगे जी आप उनके पास गए थे तो कुछ लोगों का डर है या कुछ है, लेकिन चक्कर क्या है, इतना पैसा होने के बावजूद वो फिर भी डिप्रेशन में है, बड़ी अजीब बात है, समझ नहीं आ रही क्या करें। अरे आपको क्या कमी है, पैसा चाहिए, पैसा बहुत है, फिर बता रहा हूँ पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, ये उन्होंने साबित कर दिया कि इतने होने के बावजूद हम परेशानी में हैं जी, परेशानी में क्या करें, मेडिटेशन, उसका नाम लो ना, इतने काम सारे दिन में करते हो, 24 घंटे में हो आप, आधे दिन में आधा तो आप सो के गुजार देते हो, आधा बीवी बच्चों में गुजार देते हो, आप ड्यूटी पे जाते हो, सब एक रूटीन है, ये साइकिल आपका बना हुआ है, सुबह उठते हो, नाश्ता किया, ड्यूटी पे चले गए, आ गए थके हारे, आते हो फिर बैठ गए, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम दिया, फिर सो गए, उसके लिए वक्त कहाँ है, निकालिए, जिसने सब कुछ दिया है आपको, सब कुछ उसने दिया है, इवन आपके जो बीवी बच्चे दिए हैं ये भी उसी ने दिए हैं, इसलिए कि आप बोर ना हो। इंसान जब शुरू में पैदा हुआ उसके पास क्या था, फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं एडम ईव की बात करते हैं, कुछ जब भी इंसान कहीं आया उसको लगा कि ये कहीं बोर हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, उसने ये सारी सृष्टि आपके लिए बनाई, ये जीवन में इतने पक्षी बना दिए, बढ़िया बढ़िया कलरफुल दिए, चांद सूरज सितारे दिए, वृक्ष दिए, पौधे दिए, आपको खाने पीने के लिए यह सारा सामान उसने दिया, पेड़ पौधे दिए, उसके अलावा आप कितना कुछ है आपके लिए, ये फ्रूट्स जो दिए हैं सब तो पहले कहीं तो आए थे, बाद में तो बनते चले गए और बात है, ये आपके लिए था, फिर भी बंदे ने अपना दिमाग लगा के और आगे कर करके ये आपके एंटरटेन के लिए था, उसने आपके एंटरटेन के लिए क्या नहीं किया कि बंदा बोर ना हो जाए, जिसने आपको इतना कुछ दिया है उसको आप कभी कब याद करते हो, फिर आपने मांगा जी मुझे बच्चे दे दिए, उसने मांगा आपको, आपने मांगा जी मुझे तो कंपनी चाहिए, अच्छी कंपनी मिल गई, आपने चाहा मुझे करोड़पति होना है, उन्होंने कहा चल भाई ये भी ले ले, लेकिन उसके लिए आपके पास कितना टाइम है, कितना निकालते हो। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वो मुझे बता रहा था, कह रहा जी मैंने 3 मंदिर बना दिए, अरे मंदिर तो बना दिए भाई, ये मंदिर बनाने से काम नहीं चलता दोस्त, तुम कितना टाइम देते हो। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, खुलवा दिया, एक बंदा आया मेरे पास, कहता जी मैंने गुरुद्वारे में 5 लाख रुपया दिया है, उनको बोल दिया जी इतने 100 पाठ मेरा करवा दो, वो इंग्लैंड में है, अरे तुम इंग्लैंड में बैठे हो, पूजा यहाँ हो रही है, तो जो पाठ हो रहा है सुन कौन रहा है, फायदा किसको हो रहा है जो सुन रहे हैं, तुम नहीं सुन रहे, तुम तो वहाँ बैठे हो, ऐसा नहीं है दोस्त, उसको वक्त दो, उसके पास बैठो थोड़ी देर,
इतना टाइम आपने सब जगह गुजारते हो, ड्यूटी में गुजारते हो, बच्चों के साथ गुजारते हो, दोस्तों के साथ गुजारते हो, वो कुछ नहीं कह रहा, दुनिया है गुजारो, लेकिन उसको इतना सा टाइम तो दो कि भाई मैं तेरे पास आया हूँ, तूने इतना कुछ दिया है, कभी उसका शुक्र किया आपने? सुबह उठते हैं उसको शुक्र करते हैं, मालिक तेरा बहुत शुक्र है यार, हम सब ठीक ठाक हैं, इतना कुछ तूने दिया है मुझे। आप समझिए, सभी कहते हैं जी नीचे देख के चलो, हम कहते हैं जी नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं। अरे देख ना, जिसके पास कुछ नहीं है उसका क्या हाल है, ये जो दिया उसी का दिया हुआ है, तो उस जिसका दिया हुआ है उसको तो हम मानते नहीं। पड़ोसी भी आता है ना हमारे घर में एक बुके लेके या कुछ करते हैं, अरे थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो जिसने इतना कुछ आपको दे दिया उसका तो थैंक्स आपने कभी भी नहीं किया। इसीलिए अशांति है। अगर आप मन आपका बेचैन है, आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो, उसका नाम लो किसी ढंग से लो, मैं ये नहीं कह रहा जिसको भी आप, किसी भी ढंग से लो, जीसस को याद करो, हज़रत मोहम्मद साहब को याद करो, नानक को याद करो, बजरंग बली को याद करो, माँ को याद करो, नाम तो लो, बैठो उसका ध्यान करो कि तुमने सब कुछ दिया है, कुछ गलतियां हैं तो वो अपने आप छोड़ देता है, बच्चों से गलतियां होती हैं, बच्चों से गलतियां नहीं होती। आप अपने बच्चों से कभी गलती होती है तो क्या करते हो, एक बार डांट दोगे, दो बार डांट दोगे, कोई बात नहीं, फिर भी माफ़ करते हो, क्योंकि आप माई हो, बाप हो उनके, इसलिए वो भी आपका माई बाप है, यही समझिए। उसके आगे झुकिए, उससे प्यार कीजिए, उससे मांगिए कि भगवान तूने इतना कुछ दिया है उसका शुक्रगुजार कीजिए, उसका नाम लीजिए, यही मेडिटेशन है। याद कीजिए उसे कि तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा देखभाल करना, मैं इतने बेचैनी में क्यों हूँ? आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी दोस्त, बिल्कुल हो जाएगी। फिर तो लास्ट नहीं होती, तो फिर मैं तो एक ही कह रहा हूँ यार, मैं बताऊँगा कैसे नहीं होती, कैसे आपका काम नहीं होता। आप आएंगे, आपका काम जरूर होगा, हर हालत में होगा, अगर नहीं हो रहा तो कहीं भी आपका काम होता वहाँ जाइए, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास आइए, जहाँ भी होता है करिए, हर जगह मैं तो हूँ नहीं, और हर जगह ये नहीं है कि जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ काम नहीं होते, ऐसा नहीं है, होते हैं लोगों के काम, कुदरत करती है, तो आप जाइए जहाँ आपको काम होते हैं। अगर फिर भी नहीं होते दोस्त, तो फिर मैं कहूँगा कोशिश कीजिए, फिर मैं देखता हूँ क्यों नहीं काम होता, हर हालत में होगा, ज़रूर होगा। तो चलिए दर्शकों, बातें और भी आप लोग यहाँ पे जानेंगे। अगर आप लोग सीधा योगी जी से बात करना चाहते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि मन में प्रश्न दर्शकों जब होता है तो उत्सुकता और बढ़ जाती है कि अब हम इस बारे में जानना चाहते हैं, उस बारे में जानना चाहते हैं, तो अपने मन की उत्सुकता आप लोग अवश्य पूरी कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके, क्योंकि जब आप इन नंबर्स पे कॉल करेंगे सीधा आप लोगों की योगी जी से बात होगी, और ऐसे ऐसी बातें दर्शकों आप लोग सुनेंगे, ऐसी ऐसी बातें आप लोग जानेंगे कि वाकई में आप लोग लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, आप लोग परेशानियों से निकल सकते हैं। क्यों आप लोगों को थकना है, क्यों हारना है, विश्वास अपने ऊपर रखिए, भरोसा अपने ऊपर रखिए, क्योंकि विश्वास में वो ताकत है जो आपको एक सही दिशा में तो लेकर ही जाएगी और वाकई में आपके जीवन को सुखद बना देगी, सुगम बना देगी, लेकिन उसके लिए प्रयास करना होगा, नंबर्स पे कॉल करना होगा जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। चलिए कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रियांशी जी हैं अमृतसर से हमारे साथ, स्वागत है प्रियांशी जी आपका। जी नमस्कार मैम, नमस्कार सर। जी बताइए। एक्चुअली मैम अभी मैं प्रोग्राम देखती थी आपको, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें जो भी सर बातें बता रहे हैं जी वो बहुत ही अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैंने अपने लिए कॉल की थी, क्योंकि मैं अपने लिए जानना चाहती हूँ। जी प्रियांशी जी थोड़ी तेज आवाज में बात कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी एक्चुअली मैम मैं अपने लिए जानना चाहती थी कि मेरे लाइफ में कुछ भी मतलब अच्छा होने से पहले ही सब कुछ खराब हो जाता है, चीजें स्मूथ चल रही होती है पर अचानक से पता नहीं कहाँ से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर फिर सब कुछ बिगड़ जाता है, तो यही जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों होता है। जी इनका मतलब है कि लाइफ जो है स्मूथ नहीं है जी। देखिए सारी बात अब फिर सेंटर पॉइंट पे वहीं आ जाती है, लाइफ स्मूथ क्यों नहीं है, इसका मतलब है जिसने आपको भेजा है वो आपका ध्यान नहीं रख रहा, वो आपका ध्यान रख रहा है बिल्कुल, वो कहता है मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन देखिए ये लाइफ का एक स्पैन है, कभी अप्स एंड डाउन ये तो आएंगी, हर हालत में आएंगी, तब तक आती रहेंगी जब तक आप जिसको भी आप मानते हो, मैं फिर कह रहा हूँ उस गुरु जी से आप नहीं जुड़ेंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो आपके गुरु हैं जिसको आप मान रहे हो जुड़िए उनके साथ। हर आदमी आजकल किसी ना किसी तरीके से भी हर किसी जुड़ा हुआ है, वो किसी को भी मान रही है, अरे किसी को भी आप मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं तो उस पावर की बात कर रहा हूँ जो आपके पास भी है, आपको रियलाइज कीजिए, उसको अंदर लीजिए आप, कि वो जो आपके घर में आपने जिसको आप हाथ जोड़ते हो, सुबह प्रणाम करके जाते हो, उसके फूल भी चढ़ाते हो, उसके नमस्कार करते हो, उसको पकड़िए। क्यों नहीं पकड़ते आप? कोशिश कीजिए ना कि भाई मैं सुबह जाता हूँ, सब आते हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो नेचुरली कहीं कम्युनिकेशन का गैप है, बिल्कुल गैप है, यकीन मानिए। देखिए ये गैप क्यों है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसलिए कि आप मेडिटेशन नहीं करते, आप उसको प्यार नहीं करते, कहीं तो गड़बड़ है। कितना प्यार करते हैं आप बता सकते हैं? कुछ नहीं। आप सही बता रहा हूँ, कितना प्यार करते हैं आप? उतना प्यार जितना आप अपनी फैमिली को करते हो, क्या उतना प्यार करते हो? नहीं। अपने जो मित्रों को प्यार करते हो, दोस्त मित्र हैं या रिश्तेदारों को प्यार करते हो, इतना प्यार देते हो उनको? तो फिर तो कमी है ही है ना। ये प्यार जो देते हो, जो सब कुछ ही देने वाला है, उसमें प्यार में कमी क्यों है? हमें कोई थोड़ा सा कोई देता है तो हम उसके लिए बिल्कुल यूँ जान निछावर करने पर तैयार हो जाते हैं, यार तुमने इतना कर दिया मेरे लिए, तो जिसने इतना कुछ किया है उसके लिए तो आप कंजूसी करते हो, क्यों क्यों करते हो? अरे जो भी आपकी मेडिटेशन है, कोई आरती करते हो, सब भगवानों की आरती बनी हुई, आरती कर लो, कोई जो भी उनकी पाठ पूजा जो भी आपके पास है करो। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे करो कि वो आपके उसके आपका कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाए, वो आपको समझने लगे कि हाँ यार ये मुझे याद कर रहा है। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कहता कि सब पखंड करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग करते हैं, रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं, माथा टेका, जेब से सबके सामने पर्स निकाला, पैसे निकाले, दे दिए, 10 रुपये चढ़ा दिए, हे मालिक मेरा 1 करोड़ रुपया मुझे। अरे यार तुम क्या कर रहे हो, लोगों को दिखा के 10 रुपये दे दिए, उससे इतना मांग रहे हो तुम, वो मना फिर भी नहीं करता, क्यों करेगा मना वो? उसके पास देने की ख़त्म नहीं, उसके पास इतना खजाना है, फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, समंदर है वो, आप उसमें से कितने लोटे भर लेंगे यार, भरते जाओ, कितने बकेट भर लेंगे, भर लो, उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो आप उसके पास तो जाइए, आप दूर बैठे हैं, समंदर कहीं है, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि यार कुछ कर दे, आपका उससे कम्युनिकेशन नहीं है, आप उससे मोहब्बत ही नहीं करते, एक थर्ड पर्सन मेरे पास आ जाता है सर वो काम, आपके पास भी कोई आ जाए अगर, बोलो जी ये मेरा काम है, तुमको लो भी, तुम कौन हो भाई, मैंने तो तुम्हें जानता ही नहीं क्योंकि तेरे से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आप किसी मंत्री के पास जाते हो, बड़ी छोटी बातें हैं ये। अब हैरानगी की बात है कि एक मंत्री के आप वाकफ़ हो तो उसका नाम लेके आपके 1000 काम हो जाएंगे इस दुनिया में, बिल्कुल होते हैं। और जो जिसने सारे मंत्री बना छोड़े हैं, इतने इतने करोड़ों पति बना छोड़े हैं, वो आपके पास है तो फिर आपका काम ना हो, अजीब नहीं लगता आपको? उसके तो नाम लेने से आपके काम हो जाने चाहिए, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी हस्ती है। तो फिर आपका काम ना हो तो आप खुद सोचिए कि कोई कोई तो वजह है, आप उसको जानिए ना, उसको पता यार मेरा है ये, कमाल कर रहे हैं, तो फिर आपकी दिक्कत क्या है? अरे उसके नाम की प्लेट अगर आपके यहाँ लगी होगी ना, आपको पूछेगा कोई नहीं? आज अगर आप लगा लेते हो ना, जी मैं प्राइम मिनिस्टर का पीए हूँ, खाली प्लेट लगा लीजिए, तो 10 बार पुलिस वाला भी सोचेगा अरे प्राइम मिनिस्टर लिखा लगी हुई है भाई, इसको मत छेड़ो। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उसने तो ऐसे कई बना बना के ख़त्म कर दिया दोस्त। तो अगर उसका नाम आपके पास है, मत घबराइए, उसका नाम उसके पास है आपके, तो आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जी। अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी कर सकते हो, और बताइए। लेकिन उसको पकड़ लीजिए यार, उससे ये समझिए कि वो आपका है और आप उसके हैं। तो बिल्कुल योगी जी, आज भी बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के, और उम्मीद करेंगे कि दर्शक भी जाने कि आखिरकार उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना है और कौन से गुरु का उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करना है। दर्शकों, जिन कॉलर्स की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाई है, आप लोग कार्यक्रम के बाद संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों।